हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक उपमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। ये बहुत ही कम तेल में बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। एक उपमा बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स दिया है वो है 1 कटोरी रवा, मस्टर्ड सीड, जरूरत के अनुसार हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, तेल, हींग, कैरेट जिसे हमने बारीक काट लिया है, ऑनियन, टोमेटो, कैप्सिकम, आलू, लहसुन यानी कि गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, जिंजर, कड़ी पत्ता और 3 एग हमने दिया है। अब हम गैस की तरफ चले। गैस पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें रवा भून लेंगे, रवा यानी सूजी, और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ड्राई रोस्ट करने में हमें 3 से 4 मिनट लग जाता है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रख के रोस्ट करेंगे। रवा को हमने रोस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो इससे ज्यादा नहीं भूनना है हमें। मार्केट में आजकल रोस्टेड रवा भी आने लगा है, या इस स्टोर करने से पहले भी कोई कोई रवा को रोस्ट करके रखता है। तो इस हालत में हम ज्यादा नहीं रोस्ट करेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और रवा को एक बॉल में निकाल लेंगे। रवा को हमने निकाल लिया है। अब फिर से हम गैस को ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम उसमें डालेंगे मस्टर्ड। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच मस्टर्ड डालेंगे। मस्टर्ड तरक चुका है। अब हम उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को हम कुछ सेकेंड के लिए उसमें भून लेंगे। अब हम उसमें 1 बारीक हरी मिर्च डालेंगे जिसे हमने काट लिया है। थोड़ा सा अदरक को हमने बारीक बारीक काट लिया है। कड़ी पत्ता, प्याज जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, प्याज हम 2 चम्मच डालेंगे और इसे भी कुछ मिनट के लिए भूनेंगे। प्याज भून चुका है। अब हम उसमें डालेंगे हींग। तो यहाँ हम 1/4 चम्मच हींग डाल रहे हैं और इसे भी भून लेंगे। हींग भी भून चुका है। अब हम इसमें आधा आलू के टुकड़े को काट लिया है क्योंकि बच्चों को आलू बहुत पसंद है। आप चाहें तो डालें या स्किप कर लें और इसे भी हम भून लेंगे। आलू भून चुका है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ गाजर डालेंगे। तो ये हम 2 चम्मच गाजर डालेंगे और इसे भी हम आलू के साथ 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। सब्जी फ्राई हो चुकी है। अब हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच टमाटर और टमाटर भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको तीखा कम पसंद है तो हरी मिर्च पे ही बना लीजिए। 1/4 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और टमाटर डाल दिए हैं तो हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम भून लेंगे। सब्जी फ्राई हो गया मसाला के साथ।
अब लास्ट में हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे, क्योंकि कैप्सिकम बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है तो हम इसे लास्ट में डालते हैं। और इसे भी 1 मिनट तक सब्जियों के साथ भून लेंगे। तो सब्जी जब तक अपना भून रहा है तब तक हम दूसरे बर्नल पे पानी उबाल लेंगे। तो हम यहाँ पे जितना रवा लिए थे उसके 3x पानी लिए हैं और उबलने के लिए रख दिए हैं। सब्जी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें 1 तोड़के डालेंगे, क्योंकि हम 1 उपमा बना रहे हैं तो अब हम इसमें 1 को तोड़के डाल देंगे। और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। सब्जी अंडा अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है अंडे का। गाजर कैप्सिकम सब कलर अलग अलग, यानी कि सब्जियों में हल्का क्रंच है। अब हम इसमें रोस्ट किया हुआ रवा डाल देंगे और रवा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपनी पानी जो है उबल चुकी है तो हम उसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। रवा में गरम पानी डाला जाए तो एकदम खिला खिला तैयार होता है। रवा में हमने गरम गरम पानी डाला तो उपमा एकदम खिला खिला तैयार होता है। उपमा बनकर तैयार हो चुका है, एकदम खिला खिला उपमा बना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। हम एक बॉल लेंगे और उसमें उपमा को निकाल लेंगे। और इसे हम दबा दबा के ऐसे भर लेंगे, क्योंकि इसे हमें दूसरे प्लेट में उलटना है। जितना आ सके आप बॉल में भर लीजिए। अब हम इस बॉल को एक प्लेट में इस तरीके से चिपका के उलट देंगे। थोड़ा सा प्रेस करके हम इसको धीरे से उठा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्लेटिंग हुआ है। एक उपमा बनकर तैयार है। ये बहुत ही पौष्टिक होता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये एक उपमा की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।